Hello students, I am Gajendra Kumar Sharma, welcoming you to the 24/7 school. In this video, we are going to discuss electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग देखने वाले हैं और उसके अलावा जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसको हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा वेव होता है उसके बाद हम लोग सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे हमें मिला, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट था ये हमें दिया था मैक्सवेल ने, यह हमें मैक्सवेल जी ने बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे हमें मिलता है। और उन्होंने हमें बताया था कि जो हमारा आईसी होता है यानी कि जो हमारा कंडक्शन करंट होता है वो इक्वल्स टू होता है हमारे ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उसके। उससे पहले अगर हम लोग बात करें चैप्टर की, जब स्टार्टिंग हुई थी तो उसके अंदर हमने फैराडेज लॉ को देखा जो हमारे 6th चैप्टर के अंदर था, 6th चैप्टर के अंदर था, उसको हमने इसके अंदर देखा और हमने देखा कि जो हमारा ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है, -d∅b/dt हमारा होता है। सेकंड हम लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने एम्पीयर्स लॉ को जाना और एम्पीयर्स लॉ से हमने जो हमारे पास एक कैपेसिटर था उससे रिलेटेड हमने क्या किया, उससे रिलेटेड कुछ केसेस को हमने देखा और केसेस के अंदर ने देखा कि कैसे हमें आईसी का वैल्यू मिलता है। और उसके अलावा फिर हमने जैसे मैक्सवेल के अंदर गए, मैक्सवेल जी ने क्या किया उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और हमें आईडी का वैल्यू मिला। तो ये सारी सारी पिछले लेक्चर के अंदर हमने चीजों को जानने की कोशिश की। तो इस जो लेक्चर है आज का इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, लेकिन आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज को, इसकी कौन-कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर हमें डिफाइंड हुई कि जैसे हम लोग बात करें तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उसके तौर पे इसको कंसीडर किया गया। ठीक है, तो उन सारी चीजों को हम लोग इसके अंदर जानने वाले हैं और उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखने वाले हैं कि कैसा हमारा स्पेक्ट्रम होता है, उन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी प्रॉपर्टीज की, तो हमारी जो प्रॉपर्टीज है तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है देखिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाई एक्सेलरेटेड चार्ज एंड Do not require any material medium for this propagation. कि इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो हमें मिला है ये किसकी वजह से मिला है बेटा, ये हमें जो मिला है ये जो हमें waves जो मिलती हैं, ये जो electromagnetic waves होती हैं ये हमें जो मिली हैं ये किसकी वजह से है, accelerated charge की वजह से मिला। अगर हम लोग बात करें जब charge की बात आ गई तो मैं आपको तीन cases के अंदर समझा देता हूँ। जब भी कोई charge rest के अंदर होता है, जब भी कोई charge होता है बेटा rest के अंदर, तो पहला point लिखिएगा rest के अंदर अगर मेरा कोई charge है, अगर मेरा बेटा कोई भी charge है वो rest के अंदर है तो रेस्ट पे अगर चार्ज होगा तो सिर्फ और सिर्फ उससे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। याद रखिएगा क्यों मिलेगा, उससे दिमाग में अपने बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा चार्ज मूव करेगा, अगर मेरा चार्ज मूव करता है तो मूव करने पे क्या होगा, करंट हमारा आएगा, क्योंकि जब हमारा चार्ज मूव करेगा तभी तो करंट आएगा। क्लियर बात, अगर चार्ज मूव करता है तो करंट आएगा और जब हम लोग उसको किसी वायर के थ्रू क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही हमारा कोई वायर है उसके चारों और उसके ऑल साइड्स पे क्या होगा बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। यानी कि अगर वो मेरा चार्ज मूव करेगा तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, अगर मेरा जो चार्ज है वो मूव कर रहा है तो मूव करने पे क्या है, मूव करने पे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। लेकिन एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं, ये तो हमारा प्रैक्टिकली हुआ, लेकिन एनसीईआरटी है वो किसकी बात करती है, एक सर्किट की बात करती है और सर्किट के अंदर हमें क्या बोलती है, वो हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा वो किसके रिस्पेक्ट में बात करती है, एनसीईआरटी बुक के अंदर वो बात करती है सिर्फ और सिर्फ किसी सर्किट के अंदर, किसके अंदर, किसी सर्किट की बात करने पर होगा। तो हमें क्या मिला कि अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाई एक्सेलरेटेड चार्ज एंड Do not require any material medium for this propagation. कि सर इस propagation के लिए हमें कोई भी medium की requirement नहीं होती है और ना किसी material की requirement होती है। Second अगर हम लोग बात करें तो देखिए, the direction of acceleration of E, E का मतलब क्या होता है, electric field से related, B मैग्नेटिक, मैग्नेटिक की बात है, बी हमारा डिनोट करता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड को और ई हमारा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है। फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू each other as well as perpendicular to the direction of the propagation. तो इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए अगर हमारा कोई भी propagation हो रहा है वो x direction के अंदर हो रहा है, तो electric field हमने बोला कि हमारा क्या है, y direction के अंदर है और z direction के अंदर हमारा क्या होगा, magnetic field होगा। क्या होगा बेटा, magnetic field हमारा होता है, ये हमारा क्या होगा, electric field मान लीजिए, ये हमारा क्या है, propagation है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अक्सर तीनों के अगर मैं बात करता हूं तो तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे यहां पे क्या हुआ, ये 90 डिग्री का कोण हुआ, इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो 90 डिग्री का कोण हुआ, तो ये हमारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। याद रखिएगा, तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो हमें मिली है, वो प्रॉपर्टी क्या मिली है बेटा, कि ये हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं। उसके अलावा थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो देखिए,
ये हो गया प्रोपोगेशन वेव्स. सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. ये हमारी कैसी वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स नेचर की वेव होती हैं. क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं द ऑसिलेशंस ऑफ ई एंड बी फील्ड्स आर इन द सेम फेज. दोनों जो हमारे फील्ड होंगे वो क्या होंगे? सेम फेज में होंगे. क्या होंगे बेटा? दोनों के दोनों जो होंगे वो दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं. अगर ई की मैं बात करूं, चाहे मैं बी की बात करूं, चाहे ई की मैं बात करूं या मैं बी की बात करूं, दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं. जैसे मैं अगर ई की बात करता हूं तो ई के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? अगर ई की मैं बात करता हूं तो ई इज इक्वल टू हम लोग जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं ई नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी. अगर मैं e के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, देखो दोनों का सेम फेज कैसे मिलेगा. अगर e की मैं बात करता हूं तो e इज इक्वल टू क्या हो जाता है? e नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी. ये हमारा हो गया e के लिए. ऐसे ही अगर मैं b के लिए निकालता हूं, b हमारा किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए. तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी. अब ये देखिए दोनों के दोनों क्या है? सेम फेज में. क्या है? दोनों के दोनों क्या है बेटा? सेम फेज में. अगर दोनों के दोनों सेम फेज में तो इट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे? इट मीन्स हम लोग क्या बोल देंगे सर? अगर दोनों के दोनों सेम फेज में है, सेम फेज का मतलब क्या होता है कि सर यहाँ पे इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूंगा, फेज डिफरेंस अगर लेता हूं, क्योंकि हम लोग जो 7th चैप्टर की बात करें तो वहां तक हम लोगों ने देख लिया था कि फेज डिफरेंस हम लोग कैसे लेते हैं. जैसे हम लोग जब V और I की बात कर रहे थे, जब हम लोग V को कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ बेटा? रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई की, जो मैं रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देता हूं, तो वहां से अगर मैं V और I का फेज डिफरेंस निकालना चाहूंगा तो वो फेज डिफरेंस कितना आता है बेटा? सेम आता है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं. तो वैसे ही क्या होता है बेटा, E और B की मैं बात करूंगा तो इनका जो फेज होता है वो क्या होता है? सेम फेज होता है. क्योंकि यहां से देखिए, अगर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए थीटा कंसीडर कर लेता हूं तो थीटा क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा, B इज इक्वल टू B नॉट साइन थीटा. क्लियर? तो दोनों का साइन थीटा है. अगर दोनों साइन थीटा है तो इट मींस क्या होगा सर? दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा बेटा? जीरो होगा. और जब फेज डिफरेंस जीरो है तो इसमें इट मींस क्या होगा कि सर इनके जो सेम फेज में हम लोग इसको कंसीडर करेंगे. क्या करेंगे बेटा? दोनों को हम लोग क्या करेंगे? सेम फेज में कंसीडर करेंगे. अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं. तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन अ फ्री स्पेस विद द सेम स्पीड. सेम स्पीड पर क्या करेंगे? ये ट्रैवल करते हैं. तो ये हमारा जो सी होता है ये क्या होता है बेटा? वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट और ई नॉट हमारा होता है. इसका जो वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा होता है. मीटर पर सेकंड हमारा होता है. अब ये क्या होता है सर? स्पीड ऑफ लाइट होता है. यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सीधा सीधा कि सर ये हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अगर ये किसी फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रही हैं तो ये हमारी किससे ट्रैवल करेंगी? सी इज इक्वल टू क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू होगा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड. क्या होगा? मीटर पर सेकंड. यानी कि सर ये हमारी जो लाइट की स्पीड होती है उस स्पीड से क्या करती है? ये ट्रैवल हमारी करती है. क्या करती है बेटा? ये ट्रैवल हमारी करती है. तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी जो हमें पता होना चाहिए. जैसे पहला हमने देखा तो पहले पॉइंट में क्या था कि सर इसके अंदर जो हमें ये सारी चीजें मिली वो किसकी वजह से मिली? एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से. चार्ज अगर रेस्ट पे है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा. चार्ज अगर मूव कर रहा है, चार्ज अगर यानी कि चलने लगा है, मूव करने लगा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा. लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हमारा कोई भी सर्किट है उसके अंदर अगर हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए हम लोग उसको क्या कंसीडर करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कंसीडर करेंगे. एनसीईआरटी के लिए बात है. क्लियर है? थर्ड पॉइंट पे जाएं तो थर्ड पॉइंट में हमें पता लगा कि इनका जो फेज होता है वो सेम फेज में होते हैं. अगर सेम फेज में होगा क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस क्या है? जीरो. फेज डिफरेंस जब किसी चीज का जीरो हो जाता है, अगर फेज डिफरेंस बेटा किसी चीज का अगर जीरो हो जाता है तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? सेम फेज के अंदर है. और उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि जो इसकी स्पीड होती है वो हमारी कितनी होती है? 3×10⁸ होती है मीटर पर सेकंड. यानी कि ये जो हमारी चलता है वो किस स्पीड से चलता है बेटा? ये हमारा जो चलता है वो हमारी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड से क्या करती है? ट्रैवल करती है. लाइट की स्पीड से क्या करती है बेटा? ट्रैवल करती है. अब हम लोग चलते हैं और स्पेक्ट्रम को जानने की कोशिश करते हैं कि स्पेक्ट्रम कैसे होता है, कैसे इसके पार्ट्स होते हैं, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि स्पेक्ट्रम हमारा कैसे होता है, कैसे स्पेक्ट्रम के अंदर चीजें होती हैं. क्योंकि स्पेक्ट्रम हमारा क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है. छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे बोर्ड के अंदर और उसके अलावा जेई के अंदर भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहले देखिए यह हमारा क्या है? स्पेक्ट्रम है. और इस स्पेक्ट्रम के अंदर मैं बात करूं तो इनको हम लोगों ने डिवाइड किस बेसिस पे किया है? तो देखिए यहां से अगर मैं बात करूं तो यह देखिए बेटा, यहां से इसको मैंने क्या किया? दो ऑर्डर्स में किया है. एक तो मैंने एनर्जी के रिस्पेक्ट में इसको डिवाइड किया है और एक मैंने किया है बेटा वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में. क्या किया है? वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में. तो देखिए यहां से अगर मैं देखता हूं, यहां से अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो यहां से ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. यहां पे क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है हमारी क्या है? वेवलेंथ. और इधर से अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो ये क्या है? एनर्जी क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. क्या है? एनर्जी क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. यानी कि जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा? उतनी ही ज्यादा होगी. जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी क्या होगी? उतनी ही
ज्यादा होगी। अब मैं बात करते हैं कि सर इसको डिवाइड कैसे किया, किस बेसिस पे डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये हमारी होती है गामा रे। सबके बारे में मैं बताने वाला हूं, सबके बारे में एक एक के बारे में हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे, कहां काम में आने वाली है, कौन सी जगह इसको हम लोग यूजफुल होती है ये, उसके अलावा क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, कहां इसके एप्लीकेशन हमें देखने को मिलेगी, सारी चीजों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल बिंदास तरीके से चीजों को देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं गामा रेस की, ठीक है। सो सेकंड हाउस के बाद में वो हमारी होती है एक्सरे। क्या होती है बेटा? एक्सरे। उसके बाद में ये हमारी क्या होती है? अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट हमारी क्या होती है? ये होती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कौन सी बेटा? जिसको आप लोग बोलते हैं विवग्योर। क्या बोलते हैं? विवग्योर हम लोग बोलते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है वो याद रखिएगा, क्या होती है? विवग्योर। ये हमारी क्या होती है? विजिबल लाइट होती है। जो हमारी ये आंखें होती है उनके थ्रू हम लोग इनको विजिबल कर पाते हैं, तभी तो हमें सारी चीजें अच्छे से दिखाई देती है, क्योंकि ये हमारी क्या होती है बेटा? विजिबल। हमारी जो आई है उससे इजीली हमें विजिबल है, इसलिए हम लोग इसको देख पाते हैं। आगे हमारी होती है इंफ्रारेड, और नेक्स्ट हमारी होती है रेडियो वेव्स होती है। रेडियो वेव से पहले बेटा एक और वेव होती है, वो हमारी होती है माइक्रोवेव। क्या होती है बेटा? माइक्रोवेव होती है। क्या होती है? माइक्रोवेव। याद है ना आपको माइक्रो ओवन जो आप लोग बोलते हो, तो वो जो हमारी क्या होती है? माइक्रोवेव होती है। क्या होती है बेटा? माइक्रोवेव होती है। अब हम लोग विजिबल कलर की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, यानी कि सर 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। अब नैनोमीटर की बात आ गई तो एक नैनोमीटर होता है, वो होता है 10^-9, 10^-9। अगर नैनोमीटर की मैं बात करूंगा तो 10^-9 मीटर हमारा होता है। तो ये क्या होता है? सिर्फ ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको याद रख लेना है, बस ये सिर्फ इतने पर्पस के लिए मैंने आपको दिखाया है, जिससे क्या है आप लोग डायग्राम को याद कर पाओ, क्योंकि अगर डायग्राम याद हो गया तो फिर आप लोग सारी चीजों की प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ पाओगे। तो याद करने का तरीका क्या हुआ कि सर सबसे पहले अगर मैं इधर से वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में आऊंगा तो यहां पे मेरी क्या हो जाएंगी बेटा? गामा। उससे आगे हम लोग आए तो एक्स, फिर हम लोग आगे आए थोड़ा सा तो अल्ट्रावायलेट, फिर हम लोग आगे आए तो विजिबल लाइट, नेक्स्ट आगे आए तो इंफ्रारेड, आगे हम लोग थोड़े और आए तो माइक्रोवेव, उससे आगे आए तो रेडियो वेव। तो याद रखना, कैसे याद होगा कि सर सबसे पहले अगर मैं वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो सबसे छोटा गामा, ठीक है, गामा हो गया। फिर सेकंड पे आए हम लोग, बताओ जल्दी से, एक्सरे, बिल्कुल सही। थर्ड पे आए हम लोग, क्या है जल्दी बताओ? अल्ट्रावायलेट। क्या है? अल्ट्रावायलेट। फोर्थ पे हम लोग आए विजिबल लाइट, फाइव पे हम लोग आए इंफ्रारेड, सिक्स पे हम लोग आए, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, सिक्स पे हम लोग आए तो माइक्रोवेव, सेवंथ पे हम लोग आए तो क्या है बेटा जल्दी बताओ? रेडियोवेव। बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम सही है। तो ये आप लोगों का क्या है, इनका तरीका है याद करने का। अब हम लोग देखते हैं, एक एक को देख लेते हैं कि कैसे हमारी होती है, किसकी वेवलेंथ कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, सारी चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये जो होता है उनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना बेटा, उसी का हम लोग क्या करते हैं? स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है उसका क्या है? क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। मैंने दो के रिस्पेक्ट में ही आपको बताया था, सबसे पहले एनर्जी के रिस्पेक्ट में बताया और हमने वेवलेंथ। अब हमें देखना है इसको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के कंपैरिजन से हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि किसका वैल्यू कितना होता है, कितनी वेवलेंथ होती है, कितनी क्या चीजें हमारी होती हैं। तो इसके अलावा क्या है, बेस्ड ऑन द वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज है। अभी अभी याद किया, क्या क्या याद किया है? गामा याद किया, एक्सरे याद किया, सारी चीजों को हम लोगों ने याद किया है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट अब यहाँ पे आते हैं, अब इसको सीधा सीधा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होता है बेटा वो क्या होता है? गामा रेस। याद है? अब गामा रेज है तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी? अब इनकी ये तो ऑब्वियसली बात है कि सर इनकी जो वेवलेंथ होगी सबसे कम होती है। तो याद रखिएगा, जिसका हमारा सबसे कम होती है जो वेवलेंथ होती है वो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है बेटा? स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी क्या होती है? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है। क्या होती है बेटा? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है। और कितनी होती है सर? 10^-13 से लेकर 10^-10 तक इसकी क्या होती है? वेवफॉर्म हमारी होती है। यानी कि सर इसकी क्या होती है? वेवलेंथ हमारी होगी। क्या होगी? वेवलेंथ हमारी होगी। आगे देखिए फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूं हर्ट्ज के अंदर, तो इसकी होती है 3×10^21 से लेके 3×10^18 तक। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? सबसे हाई होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे ज्यादा हाई होती है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो याद रखिएगा, हमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट हमारी ये मिल गया बेटा मुझे, क्या मिल गया है? स्मॉलेस्ट हमें मिल गया, क्या मिल गया? स्मॉलेस्ट हमें मिल गया। उसके अलावा स्मॉलेस्ट क्या होगी? इसकी वेवलेंथ। और हमारी जो इसकी स्मॉलेस्ट के बाद में जो लार्जेस्ट होगी वो क्या होगी बेटा? फ्रीक्वेंसी। इसकी जो लार्जेस्ट होती है वो क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग कैसे याद करेंगे कि सर जिसकी लार्जेस्ट
जिसकी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कौन सी है, गामा रे। क्या है, गामा रे। सेकंड की बात करें तो ये हमारी होती है बेटा एक्सरे। क्या होती है, एक्सरे। और एक्सरे की अगर मैं बात करूं वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ क्या होती है, 10^-10 से लेके 10^-8 तक हमारी होती है। इसकी अगर मैं बात करता हूं बेटा वैल्यू की, तो क्या होगा, 3×10^18 से लेके 3×10^16 इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ये हर्ट्ज की बात कर रहा है। थर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड के अंदर हम लोग देखेंगे बेटा वो हमारी है अल्ट्रावायलेट रेज। क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज है। और अल्ट्रावायलेट की क्या होती है, 10^-8 से लेके 4×10^-7। अब याद रखना इसको तरीका क्या होता है, इसको तरीका क्या है याद करने का, वो देखो। अगर आप लोगों ने यहां पे देखा हो तो ये हमारी क्या होती है बेटा, ये हमारी क्या होती है, ये कौन सा कलर होता है सर, वॉयलेट होता है। कौन सा होता है बेटा, ये वॉयलेट कलर होता है। क्या होता है, वॉयलेट कलर है। ये हमारा क्या है बेटा, वॉयलेट कलर है। क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, वॉयलेट कलर है। क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, वॉयलेट कलर है। अगर ये हमारा वायलेट कलर है तो देखिए इसकी लास्ट हमारी जो यूनिट है वो कितनी है सर, ये है 400 नैनोमीटर। यानी कि सर इस रेंज से अगर ये ऊपर है तो हमारी क्या होगी, अल्ट्रावायलेट। क्या होगी बेटा, इस रेंज से क्या है, इस तरफ है, तो ये हमारी क्या है, अल्ट्रावायलेट। क्या है बेटा, अल्ट्रावायलेट हमारी है। क्या है बेटा, अल्ट्रावायलेट हमारी है। क्या है, अल्ट्रावायलेट हमारी है। तो इट मीन्स हम लोग सीधा सीधा बोले तो सर यहां पर हम लोग देखें तो ये हमारी क्या है, जहां हमारी विजुअल लाइट का लास्ट जो आ रहा है ना, वहां हमारा क्या है, इसका पॉइंट आएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए कितना हो गया, 10^-8 से लेके 4×10^-7 हो गया। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 3×10^6 से लेके 7.5×10^14 हमारी क्या होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं विजिबल लाइट, अब विजिबल लाइट की तो सीधा सीधा अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा था सर, 400 नैनोमीटर से लेके हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाते हैं, 7.5×10^-7। अब इसको देखो नैनोमीटर के तौर पर लिखे हुए तो ये कितना हो जाएगा, 750 नैनोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं नैनोमीटर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा सर, 400 नैनोमीटर से लेके कितना होता है, 750 नैनोमीटर। क्लियर, तो 4×10^-7 7.5×10^-7। क्लियर, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी सर, 7.5×10^14 और 4×10^14। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हमारी है बेटा इंफ्रारेड। क्या है बेटा, इंफ्रारेड। क्या है बेटा, इंफ्रारेड हमारी है। क्या है, इंफ्रारेड है। और इंफ्रारेड की क्या होगी सर, इसका जो ये पॉइंट है वो सेम यहां होगा। क्या होगा, क्योंकि इंफ्रारेड रेड से नेक्स्ट, रेड से नेक्स्ट, इसलिए इसका नाम क्या है, इंफ्रारेड। याद करने का तरीका यही होता है, नेक्स्ट से अगर मैं रेड से क्या बोलूंगा, नेक्स्ट क्या है, इंफ्रारेड। तो ये क्या होगा सर, 7.5×10^-7 से लेके 10^-3 फॉर, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4×10^14 से लेके 3×10^11। नेक्स्ट हमारी जो होती है माइक्रोवेव होती है, जिसकी रेंज क्या होती है बेटा, अगर वेवलेंथ की बात करूं तो 10^-3 से 10^-1। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 3×10^11 से लेके 10^10। और इसके अलावा जो हमारी सेवंथ होती है, जो हमारे सबसे ज्यादा काम आती है रेडियो, रेडियो वेव्स, और इसकी जो रेंज होती है, ये जो इसकी रेंज होती है वो होती है 10^-1 to 10^4। यानी कि जो हमारी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो, और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी की होती है वो होती है 10^10 to 10^4 × 3। क्लियर, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, जिसके सबसे जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है वो किसकी है बेटा, गामा रेज की। और जिसके सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, क्या है बेटा, लार्जेस्ट है, वो किसकी है, रेडियो वेव्स की। लार्जेस्ट जो है वो किसकी है, रेडियो वेव्स की हमारी है। तो ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है। अब मैं एक एक करके सारी चीजें आप लोगों को समझे आने वाला हूं, जिससे क्या है, आप लोगों को सारी जो वेव्स है उनके बारे में पता लग जाए, कहां हम लोग इसको यूज करते हैं, कैसे ये हमारे लिए यूजफुल है, किस रिस्पेक्ट में हम लोग इसको याद करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेडियो वेव्स की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, रेडियो वेव्स की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रेडियो वेव्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये सर, ये रेडियो वेव्स होती है, इसको इन्वेंटेड कब किया गया था, कब ये हमें मिला था, तो इसको किया था 1895 में। कौन सा एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का जो हमारा नाम था वो था मार्कोनी। क्या था बेटा, मार्कोनी हमारा एक क्या था, एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया था, इसको इन्वेंटेड किया था, कब किया था, 1895। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारा कब ये इन्वेंटेड किया गया था, ये 1895 में किया गया था। और साइंटिस्ट का नेम क्या था, मार्कोनी। क्या था बेटा, मार्कोनी हमारा इसका नेम था। नेक्स्ट है कि सर, दीज वेव्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो। यार इतना दिमाग में हम लोग जब पढ़ते हैं रेडियो वेव्स के बारे में तो इतना तो है कि सर ये यूजफुल कहां है, रेडियो जो हम लोग सुनते हैं उसके लिए तो यूजफुल है, जब भी तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स बोल रहे हैं, रेडियो वेव्स हम लोग इसको बोल रहे हैं। और उसके अलावा आप लोग अपने घरों के अंदर जो टीवी देखते हो ना सब लोग,
ऑब्वियसली बात है, सब लोग देखते होंगे, क्रिकेट मैच देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो वो जो हमें मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है, वो भी रेडियो वेव्स के थ्रू मिल रहा है। तो यानी कि सर हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं वेव्स हमारी यूज की जाती हैं फॉर टीवी एंड रेडियो वेव्स आर देर आर रेडियो वेव्स, है ना। तो द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स रेंज फ्रॉम 10 मीटर्स टू 0.1 मीटर्स, क्लियर। रेंज अभी मैं समझा के आया हूँ आप लोगों को, जस्ट अभी मैं समझा के आया हूँ, तो आप लोगों को याद रखनी है कि रेंज इसकी क्या थी। तो हम लोगों को क्या याद करनी है, हम लोगों को क्या है कि इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर चीज़ें मैंने देखी है, तो क्या हम लोग देखने वाले हैं, तो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सर हमने क्या देखा कि सर इसको इन्वेंटेड कब किया गया, 1895 में, किसने इन्वेंट किया, मार्कोनी ने। उसके अलावा इसको हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, रेडियो के अंदर, टीवी के अंदर, ठीक है भाई। अब हम लोग देखते हैं इसका जो जर्नल हम लोग जो काम में लेते हैं वो बेटा कहाँ कहाँ होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि सर इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। तो ये तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि सर जब रेडियो वेव्स हैं तो इसको हम लोग पहला जो इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है सर, टीवी और रेडियो, क्या है, टीवी और रेडियो। ये बेटा थोड़ा सा आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ समझाने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम्स है इससे रिलेटेड हमें एप्लीकेशंस को याद रखना है, और उसके अलावा हमें याद रखना है किसकी लार्जेस्ट होती है, किसकी स्मॉल होती है, उसके अलावा विजिबल कलर्स में किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, इन सारी चीजों को आपको याद रखना है, बस ये याद रखने वाली चीजें। तो सबसे पहला यूज कहां हो गया सर, रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है, रेडियो और टीवी में। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, ये हमारी क्या हो गई बेटा, रेडियो और टेलीविजन की बात हमारी हो गई है, क्या हो गई है बेटा, रेडियो और टेलीविजन की ये बात हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा जो सेकंड इसका यूज है वो कहां है बेटा, सेकंड जो यूज है वो है मोबाइल फोन के लिए, जो हमारा वॉइस की कम्युनिकेशन की बात करता हूं, मोबाइल फोन की बात करता हूं, वहां पे हमारा इसका यूज होता है। तो अभी तक मैंने क्या सिखाया, तीन यूज मैंने बता दिए, पहला यूज क्या हुआ टीवी के अंदर, दूसरा हमारा क्या हुआ रेडियो के अंदर, तीसरा हमारा क्या है सर, जितना भी हम लोग मोबाइल फोन से कम्युनिकेशन करते हैं उसके अंदर भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, दो यूज हो गए। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी रेंज दे आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। अब इनको हम लोग जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल फोन के अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसी रेंज होती है कि सर ये हमारा मोबाइल फोन है, ये इस रेंज पर क्या करेगा, वर्क करेगा। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब मोबाइल फोन खरीदते हैं अपन लोग, जैसे 5G हुआ, 4G हुआ, 3G अपन लोग फोन परचेस करते हैं, तो वहां पे हमें बताता है कि ये इस बैंड के ऊपर वर्क करेगा। तो वही बैंड की बात है, कौन से बैंड पे वर्क करेगा, किस पे करेगा, किस पे नहीं करेगा, उनको ही हम लोग देखते हैं। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड जो होता है उसकी बात है, तो ये हमारा क्या होगा, 3 to 3 megahertz होता है, क्या होता है, 3 to 2 megahertz। याद रखिएगा जो ये हर्ट्स है, ये जो हर्ट्स है बेटा, ये हमारी क्या है, यूनिट होती है, ये हमारी क्या होती है बेटा, यूनिट होती है। किसकी यूनिट है बेटा, ये यूनिट जो होती है ये हमारी होती है फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात है बेटा, फ्रीक्वेंसी की हमारी क्या होती है, यूनिट होती है, ये हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारी होती है, क्लियर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी क्या हो गई, मीडियम्स हो गई। शॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि सर शॉर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो शॉर्ट फ्रीक्वेंसी बैंड जो हमारी होती है ये कहां से होती है, 3 megahertz से लेके 30 megahertz तक, 3 megahertz से लेके 30 megahertz तक। आगे हम लोग वेरी हाई की बात करते हैं, उसको कहाँ से होती है, ये 30 megahertz से कितनी होती है, 300 megahertz तक हमारी होती है। और लास्ट हमारी है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज बैंड जो होता है वो कितना है, 300 megahertz से 3000 megahertz तक इसकी क्या होती है, ये रेंज होती है। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, इसी बेसिस पे डिवाइड करते हैं, और आप लोग जब मोबाइल फोन खरीदने जाते हो तो वो भी इसी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ये कौन कौन से स्पेक्ट्रम और कौन कौन से हमारे बैंड के ऊपर वर्क करेगा। अगर देखिए 5G है तो कौन से बैंड पे वर्क करेगा, 6G है तो कौन से, जैसे अगर आप लोगों ने कहीं वर्ड सुना हो, अगर कहीं वर्ड सुना हो तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं अभी जो 6G टेक्नोलॉजी है उसके लिए कौन सी वेव फॉर्म यूज कर रहे हैं, जल्दी से सोच के बताओ। हमारी क्या होती है, शॉर्ट जो माइक्रोवेव्स होती है उनको हम लोग उसके अंदर काम में ले रहे हैं, क्लियर बात है। तो वो हमारी क्या है कि उनकी रेंज हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। ये हमारी क्या होती है, रेडियो वेव्स होती है। उसके अलावा अगर हम लोग जाएं तो फिर हम लोग बात करते हैं माइक्रोवेव्स की, तो माइक्रोवेव्स क्या होगा सर, माइक्रोवेव्स ये हमारी क्या होती है, इनकी सबसे, ये माइक्रोवेव्स आर द शॉर्टेस्ट वेव फॉर्म, रेडियो वेव्स ये हमारी क्या होती है, इनकी शॉर्टेस्ट होती है। ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बुक में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो जो वेव्स हैं इनको रेडियो वेव्स में ही कंसीडर कर लेते हैं, क्या करते हैं, माइक्रो वेव्स को हम लोग क्या करते हैं, रेडियो वेव्स में ही कंसीडर कर लेते हैं, और वहां पे हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, शॉर्टेस्ट हम लोग लिख देते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहां करेंगे, इसका स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स में हम लोग काम में लेते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा आपके घर पे जो होता है ना माइक्रो ओवन, ओवन होते हैं ना जिसके अंदर हम लोग खाना गर्म करते हैं, उसके अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं। और ये जो रडार सिस्टम होता है, जैसे आप लोगों ने देखा
देखा होगा रडार सिस्टम क्या है, रडार टेक्नोलॉजी की बात है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी एरोप्लेन होते हैं वो हवा के अंदर घूमते रहते हैं, क्या करते हैं एरोप्लेन्स होते हैं वो हवा के अंदर मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उनको क्या है सिग्नल्स प्रोवाइड करना, सारी चीजें हम लोग जो रडार टेक्नोलॉजी है कि कौन सा एरोप्लेन कहां पे है कहां नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग उस सिस्टम के थ्रू निकालते हैं। और वहां पे जो हम लोग वेव्स को यूज करते हैं वो हमारी कौन सी होती है, माइक्रोवेव्स होती है। क्या होती है बेटा, माइक्रोवेव्स हमारी होती है, क्या होती है माइक्रोवेव्स हमारी होती है। तो ये क्या हुआ, एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए हम लोग काम में लेते हैं रडार टेक्नोलॉजी को। उसके अलावा देयर फ्रीक्वेंसी रेंज इज 3 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है 300 गीगाहर्ट्ज। दे आर यूज इन रडार सिस्टम, यूज इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन एंड माइक्रोवेव यूजर्स इन हाउसेस। क्लियर है, सबसे ज्यादा यूज कहां हुआ एयरक्राफ्ट के अंदर, सेकंड यूज कहां हुआ हम लोग जो घरों के अंदर जो ओवन यूज करते हैं उसके अंदर, थर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा ये हमारी होती है इंफ्रारेड, क्या होती है इंफ्रारेड वेव होती है। अब इंफ्रारेड वेव है तो ये कहां यूज होंगी, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं को हम लोग हीट वेव्स भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं हीट वेव्स हम लोग इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये जो हमारी होती है ये किसके थ्रू आती है, जो हमारी हॉट बॉडीज होती है उसके थ्रू हमें मिलती है। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो किससे कम होती है बेटा, रेडियो और माइक्रो जो वेव्स होती हैं उनसे क्या होती है कम होती है। दे इनको अगर हम लोग अब्सॉर्ब किसके थ्रू कर सकते हैं बेटा, वाटर के थ्रू कर सकते हैं। और इनकी एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा एलईडी के अंदर, एलईडी जो रिमोट्स होते हैं आपने देखा ना मोबाइल, जैसे आप लोगों ने घरों के अंदर रिमोट्स देखे होंगे, रिमोट्स के अंदर एक लाइट निकलती है, देखा होगा ना एक रेड लाइट अपनी निकलती है मोबाइल्स के, मोबाइल्स की अगर बात करोगे तो उसके अंदर भी होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे रिमोट्स हुआ, एसी रिमोट्स हुआ, एलईडी हुआ, तो उनमें भी हम लोग इनको काम में लेते हैं। तो क्या हुआ देखिए एप्लीकेशंस क्या हुआ, इंफ्रारेड लैंप्स में, इंफ्रारेड डिटेक्टर में, एलईडी इन द रिमोट स्विचेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब ये देखिए स्विचेस हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं सर, एसी के स्विचेस हुए, क्लियर। उसके अलावा मोबाइल फोन में भी आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग एमआई के मोबाइल यूज करते हो तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एसी को ऑपरेट कर सकते हैं, टीवी को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इनबिल्ट हमारा क्या होता है रिमोट एक ऐप होती है, उसको हम लोग जब डाउनलोड कर लेंगे तो वो वर्क करेगा, क्योंकि उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं इंफ्रारेड वेव्स को यूज करते हैं, क्लियर। अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं तो इसका कब से किसके थ्रू होती है, हॉट बॉडीज के थ्रू होती है। और ये क्या हो लॉन्ग जो डिस्टेंस फोटोग्राफी है उसके लिए हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा इसका यूज है, मेनली जो यूज है मैंने आप लोगों को यहां समझाया कि इसका जो यूज है हम लोग मेनली जो करते हैं रिमोट्स के अंदर ज्यादा करते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग कहां करते हैं बेटा, रिमोट्स के अंदर हम लोग करते हैं इसका यूज, सबसे ज्यादा कहां करते हैं रिमोट्स के अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं, क्या करते हैं रिमोट्स के अंदर इसका सबसे ज्यादा यूज हम लोग करते हैं। आगे देखिए These waves are used for the long distance photography. आप लोग फोटोग्राफी करते हो उसके अंदर भी इनको हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा फायर गिवन आउट बोथ विजिबल लाइट्स वेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स, द लाइट रेज आर विजिबल टू अस बट द इंफ्रारेड वेव्स कैन नॉट बी सीन बाई अस। क्लियर बात है, इंफ्रारेड को हम लोग क्योंकि देखिए विजिबल की बात है तो विजिबल हम लोग किसको बोलेंगे सर, जो हमारी आंखों से देखा जा सके, यानी कि जिनको हम लोग हमारी आईज के थ्रू इजीली देख सकें विजिबल लाइट्स उनको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि विजिबल लाइट्स का मतलब क्या हुआ कोई भी सराउंडेड है, आप लोग मुझे देख रहे हो ये किसके थ्रू है सर, विजिबल लाइट के थ्रू, क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं, क्लियर बात वही चीज है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमंस आर जनरेटेड सम इंफ्रारेड वेव्स, ह्यूमंस भी जनरेट करते हैं, क्लियर है। देयर आर सम स्पेशल ग्लासेज विच हैव इंफ्रारेड डिटेक्टर टू व्यू इंफ्रारेड वेव्स, आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, मूवी देखी है किस किसने मूवी देखी है, अगर मूवी किसी ने देखी हो मिस्टर इंडिया, कौन सी मूवी है बेटा मिस्टर इंडिया मूवी है, अगर किसी ने भी देखा हो मिस्टर इंडिया मूवी तो उसके अंदर जो हम लोग ग्लास यूज करते हैं वो ग्लास यूज करते हैं ना किसके लिए, जो मिस्टर इंडिया होता है गायब हो जाता है वो बेटा गायब नहीं होता है, जैसे हम लोग उस ग्लास को यूज करते हैं तो उसके थ्रू क्या है हम लोग इजिली उसको विजिबल कर सकते हैं कि सर उसको हम लोग देख पाएंगे इजिली देख पाएंगे, जो मिस्टर इंडिया मूवी थी उसके अंदर जो ग्लास यूज कर रहे थे वही ग्लास की बात यहां पे हम लोग कर रहे हैं कि सर जो ग्लासेस होते हैं उसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं उनको देख पाएंगे, क्या कर पाएंगे देख पाएंगे। तो ये हमारी क्या होती है बेटा इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, विजिबल रेज हैं, तो विजिबल को मुझे ज्यादा डीपली बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इजीली हम लोग जानते हैं सर जितनी भी हमारी विग्योर होती है वो हमारी क्या होती है विजिबल जो लाइट होती है, रेनबो आप लोग देखते हो वो भी एक एग्जांपल है इसका, ठीक है। तो विजिबल लाइट्स हुआ उसके बारे में ये है सारी चीजें, तो ये हमारे जो ह्यूमन जो देखते हैं वो सारी की सारी विजिबल लाइट्स के अंदर आती है, तो इसको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इट इज द मोस्ट फैमिलियर फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये फैमिलियर है क्योंकि इनसे हम लोग सब लोग जानते हैं, ये स्पेक्ट्रम जो है ना ये हमारी जो है वो किससे आई होंगी ह्यूमन आई से हम लोग इजिली देख पाएंगे। और इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होती है सो 4 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज टू 7.5 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज
और इसकी वेवलेंथ तो अभी आपको बताया मैंने, 700 नैनोमीटर्स और 400 नैनोमीटर्स उसके बिटवीन में होती है. क्या होती है? उसके बीच में होती है. विजिबल लाइट्स एमिटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अराउंड अस प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड. कि सर हमारा जितना भी वर्ल्ड है उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है वो इसी के थ्रू हम लोगों को मिलती है, जो हमारी क्या होती है, विजिबल रेज हमारी होती है. तो इसको ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं पहले से. नेक्स्ट है हमारी अल्ट्रावायलेट रेज. यहां से हमारी चीजें स्टार्ट होती हैं. आप लोगों ने देखा होगा जाली साइन कर देते हैं. जाली साइन समझते हो ना, कि सर हमारे उस पर साइन कर दिया और उसके बाद में जो हम लोगों ने लिखा वो हट जाता है. उसके पीछे का लॉजिक भी अल्ट्रावायलेट है. आप लोग जब फिंगरप्रिंट्स लेते हो तो उसके पीछे भी क्या है, अल्ट्रावायलेट का लॉजिक काम करता है. जो हम लोग विटामिन लेते हैं, धूप के अंदर जाते हैं, वहां पे भी हमारा अल्ट्रावायलेट्स का ही रीजन होता है. तो देखिए सबसे पहले, इट कवर्स वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 4 × 10⁻⁷, जो हमारा क्या हो जाएगा 400 नैनोमीटर्स, डाउन टू 6 × 10⁸, यानी कि 0.6 नैनोमीटर्स तक हमारी ये होती है. द यूवी रेज आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल लैंप्स और वेरी हॉट बॉडीज लाइक सन. क्लियर? इसको यूवी भी बोलते हैं. शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट को हम लोग यूवी रेज भी बोल देते हैं. अब इसका हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल कौन कौन सा. सबसे पहला ही एग्जांपल ये है कि ये जो हमारी ह्यूमन स्किन होती है उसके लिए क्या होती है बेटा, ये जो हमारी ह्यूमन स्किन होती है उसके लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है या नहीं होती है? जल्दी से मुझे बताओ, हेल्पफुल होती है या नहीं होती है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ. तभी तो आप लोग धूप में हम लोग जाते हैं, लेट जाते हैं धूप के अंदर. क्या है कि सर विटामिन हमें मिल रहा है. ठीक है, क्लियर है? तो अब हम लोग बात करें तो देखिए अल्ट्रावायलेट प्रोवाइड्स विटामिन डी. क्लियर बात है, विटामिन डी हमें मिलता है. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, दीज आर द हार्मफुल फॉर द स्किन एंड आई. ये तो ट्रू बात है कि सर हमारी आंखों के लिए और हमारी जो स्किन है उसके लिए हार्मफुल होती है. क्लियर बात है? अब देखिए आगे कि सर दे आर यूज्ड टू सेटलाइज ड्रिंकिंग वाटर एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. हमारे जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए हम लोग इसको काम में लेते हैं. जो हमारे जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके लिए ये यूजफुल है. नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो दे आर यूज टू डिडक्ट इनविजिबल राइटिंग. इनविजिबल राइटिंग उसके लिए, डिडक्ट के लिए हम लोग काम में लेते हैं. और नेक्स्ट क्या है सर, फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स फिंगरप्रिंट्स इन फॉरेंसिक लैब्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. भाई खाना होता है उसके लिए हम लोग काम में लेते हैं लंबे समय तक उसको अच्छा रखने के लिए. नेक्स्ट हमारा क्या होता है सर, फिंगरप्रिंट्स की अगर मैं बात करूं उसके लिए हम लोग देखते हैं. और उसके अलावा हमारे जो फॉरगेट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर हम लोग इसको काम में लेते हैं. तो ये हमारी क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है. नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें एक्सरे, एक्सरे से तो हम लोग सब लोग वाकिफ है. कैसे कि हम लोग जब हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, सर मुझे क्या करवाना है, एक्सरे करवाना है. एक्सरे क्यों करवाना है, कि मान लीजिए मैं कहीं गिर गया तो मेरा क्या हुआ कि हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है तो मुझे देखना है कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर आया नहीं आया. यानी कि सर सीधा हम लोग बोले तो इसके थ्रू क्या है, हम लोग जो बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है जो हमारी बोन्स हैं उनको क्या है, ये रेज होती हैं, ये क्रॉस नहीं कर पाती हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जो बोन्स हैं उनके बारे में हमें इजीली पता लग जाता है. और इसको हमारे जो इनवाइट किया था, किसने किया था बेटा, 1895 में किया था, एक साइंटिस्ट है W.C. Rosen, उन्होंने क्या किया था, इसको फाइंड किया था. द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे रेंजिंग फ्रॉम द 10⁻⁻ मीटर्स टू 10⁻⁸. क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं. इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि सर एक्सरे हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, कैसे इसके एप्लीकेशंस को हम लोग डिनोट कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्या होगा कि हमारा जो एग्जांपल होगा, सबसे पहला क्या होगा सर, हॉस्पिटल के अंदर. क्या है, हॉस्पिटल के अंदर हम लोग इसको काम में लेते हैं. यानी कि सर मेडिकल जितना भी हमारी चीजें होती हैं उसके अंदर. तो देखिए, एक्सरेज आर यूज इन द मेडिकल डायग्नोसिस टू डिडक्ट फ्रैक्चर्स इन बोन्स. क्लियर है कि सर हमारी जितनी भी बोन्स हैं उनके अंदर जो फ्रैक्चर्स हुए हैं उसको देखने के लिए हम लोग यूजफुल करते हैं. क्योंकि देखिए एक्सरे हम लोग निकलवाते हैं बॉडी का, वो किसके लिए सर, फ्रैक्चर्स को फाइंड करने के लिए. सेकंड पॉइंट है सर, उसके अलावा हम लोग लंग्स के लिए, और क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द गॉल ब्लैडर एंड द किडनी. जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसके अंदर जो स्टोन हुआ उसके लिए हम लोग लेते हैं. सर स्टोन हो सकता है किडनी के अंदर, स्टोन हो सकता है जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसके अंदर स्टोन हुआ, तो उसी को भी फाइंड करने के लिए हम लोग एक्सरेज हैं उनकी हेल्प लेते हैं. नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो दे आर यूज इन द इंजीनियरिंग टू चेक फ्लोज इन द ब्रिज. अब हम लोग जो ब्रिजेज होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत काम में लेते हैं. ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करें इन फिजिक्स, एक्सरे आर यूज टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की बात है. क्या है बेटा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की बात है. अगर मुझे किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर देखना है
तो उसके लिए भी मैं इसको काम में ले सकता हूँ। जैसे हम लोग बॉडी है, बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग देखने के लिए काम में लेते हैं। तो वही हमारे क्या होता है, सेम सिस्टम होता है जो हमें याद रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा सर, सबसे पहली वेव फॉर्म हमने देखी कि हमारी जो गामा है उसको हम लोग अब देखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने देखा रेडियो को देखा, फिर मैंने क्या देखा बेटा माइक्रो को देखा, फिर हम लोग आए तीसरे पे अल्ट्रावायलेट देखा, फिर हमने विजिबल देखा, इंफ्रारेड देखा, और उसके बाद में हम लोग अब आ गए हैं एक्सरे पे। ठीक है, यानी कि हम लोग सारी चीजों को देखते हुए आगे चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने सारी वेवफॉर्म्स को ऑलमोस्ट लगभग देख लिया, एक दो वेवफॉर्म्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई है एक्सरे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी क्या होती है बेटा, गामा रेस। क्या होती है? गामा रेस। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये सारी की सारी थ्योरी बेस्ड है, तो बेटा थ्योरी बेस्ड है, ये सारी की सारी को सिर्फ आपको रिवाइज करना है, रीड करना है, जिससे क्या है आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाए। तो सबसे पहले देखिए इसकी डिस्कवरी किसने की, इसको डिस्कवर किसने किया था। इसके लिए दो साइंटिस्ट हैं, जिसका एक का नाम अगर मैं बात करूं तो वो हमारा था बेकुलर, और दूसरा हमारा था वो था क्यूरी। क्या था? क्यूरी। तो दीज रेज वर डिस्कवर्ड टूगेदर इन 1896 बाय टू साइंटिस्ट नेम एज बेकुलर एंड क्यूरी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ सर, गामा रेज इट्स वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 10^-13 टू 10^-10 मीटर्स, 10^-10 to 10^-13। ये हमारी क्या होती है, इसकी रेंज होती है। तो एप्लीकेशंस की मैं बात करूं तो गामा रेज आर हाईली पेनिट्रेटेड, दे कैन पेनिट्रेट थिंग्स आयरन ब्लॉक्स। ये क्या है, इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे आयरन ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट हम लोग उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, ड्यू टू हाई एनर्जी दे आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस। मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि सर जितनी भी रेज हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उन रेज के अंदर किसी के अंदर भी न्यूक्लियर रिएक्शंस का हमारा नाम नहीं आया। तो इट मींस क्या हुआ कि ये हमारी क्या न्यूक्लियर रिएक्शंस के यूजफुल के तौर पे हम लोग इसको काम में ले रहे हैं कि सर ये हमारी वहां पे काम आएगी। ड्यू टू हाई एनर्जी दे आर यूज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये हमारी क्या है, यूज्ड है, यूज्ड टू। इसको हम लोग कहाँ करते हैं, जो हमारी जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर इसको हम लोग काम में लेते हैं। क्या करते हैं, ये हमारे लिए यूजफुल होती है वहाँ पे। ठीक है, जब भी तो हम लोग एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन जो हमारे लिए काम करेगी, जो हमारे लिए यूजफुल है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। आगे क्या है सर, गामा रेस आर प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस। सर जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर हमारी जो गामा रेज होती हैं वो क्या होती हैं, उसके थ्रू क्या होती हैं बेटा, ये प्रोड्यूस होती हैं। क्या होती हैं उसमें, क्या होती हैं, ये प्रोड्यूस्ड होती हैं। अगर मैं गामा रेज की बात करूं, अब देखिए इन मेडिकल्स दे आर यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। जब भी हम लोग मेडिकल की बात करेंगे तो वहां पे ये कहाँ यूज होगी, जितनी भी हमारी जो कैंसर सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग काम में इसको लेते हैं। तो हम लोग अगर बात करें स्पेक्ट्रम के अंदर, तो मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले मैंने आप लोगों की आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो बताया वो बताया बेटा, पहली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो चीज मैंने आप लोगों को समझाया वो मैंने समझाया कि कैसे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि सर ये सेम फेज में होती है। उसके अलावा क्या देखा सर, सेम फेज में तो हो ही गई, उसके अलावा क्या होगा कि इसकी जो स्पीड होती है अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होती है सर, 3×10^8 मीटर पर सेकंड। इट मींस क्या हुआ कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होता है उसके इक्वल ये हमारा होगा। फिर हम लोगों ने इसके अलावा और पॉइंट्स देखे, फिर हम लोग बड़े स्पेक्ट्रम के ऊपर, स्पेक्ट्रम पे जब हम लोग आए तो बेटा स्पेक्ट्रम में जैसे ही हम लोगों ने एंट्री की, तो स्पेक्ट्रम में जैसे ही हमारी एंट्री हुई, तो एंट्री होने के बाद में स्पेक्ट्रम जब हमने स्टार्ट किया तो उसके अंदर हमने देखा कि इन सबको क्या किया, हमने कैटेगराइज कर दिया, अलग अलग कैटेगरीज में क्या किया, डिफरेंट कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड किया तो पहले ही मैंने कि सर जो रेडियो के अंदर काम आ रहा है उसको रेडियो वेव्स बोल दिया, जो माइक्रो ओवन में काम आ रही है उसको मैंने माइक्रोवेव बोल दिया, उसके अलावा जो इंफ्रारेड है वो हमारे जितने भी फिंगरप्रिंट्स या फॉरेंसिक में काम आ रही थी उनको मैंने इंफ्रारेड पे तौर पे दे दिया। आगे हम लोग जब देख रहे थे तो विजिबल लाइट्स के, यानी कि जो हमारे आंखों को सर विजिबल होती है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ आती है, तो वो हमें यूजफुल हुई। उनको हम लोगों ने उसमें जो दिखने वाली थी उनको विजिबल लाइट्स में डाल दिया। और उसके बाद में फिर हम लोग जब देखने लगे कि सर जो हमारी गामा है, एक्सरे है, एक्सरे यानी कि सर जितने भी हमारे बॉन्स का स्ट्रक्चर्स है, या हमारे पास कोई भी बॉडीज हैं, या हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट है, या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे लिए रिक्वायर्ड है, उसको अगर मुझे देखना है तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्सरेज को काम में लेने लगे। फिर हम लोग गामा रेज पे आए। अगर मान लीजिए मुझे कहीं पे भी कैंसर सेल्स को हटाना है तो उसके लिए मैंने क्या किया बेटा, गामा रेज को काम में लेने लगे। यानी कि हर वेव्स की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, क्योंकि ये कंबाइंडली बेटा इलेक्ट्रो
जो हमारी इलेक्ट्रिकल और जो हमारी मैकेनिकल जो वेव होती है उनके थ्रू ये कंबाइंड लिया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग इसको बोल देते हैं। तो याद रखिएगा फ्री स्पेस और वैक्यूम के अंदर इसकी स्पीड कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली लाइट के इक्वल्स होती है, 3 × 10⁸। क्लियर। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट हमने देखा और उसके अलावा सारी चीज़ों को हमने जानने की कोशिश की कि वेव्स हमारी कहाँ यूज़ हो रही है, कौन सा है, कौन से साइंटिस्ट ने इसको फाइंड किया और उसके अलावा कहाँ कहाँ ये यूजफुल होती है, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से जानने की कोशिश की। जैसे इसी की मैं बात करूँ गामा रेज की, तो गामा रेज को किसने फाइंड किया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने इसको डिस्कवर किया, तो डिस्कवर किसने किया था, बेकुलर और क्यूरी ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, डिस्कवर किया था। उसके अलावा कौन से ईयर में किया था, तो 1896 में इसको हमने क्या किया था, डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, इसके अलावा ये कहाँ यूज होती है, तो सबसे ज्यादा यूज कहाँ होगी, मेडिसिन, अगर मैं बात करूँ मेडिकल लाइन में अगर मैं बात करता हूँ तो मेडिसिन के अंदर कहाँ यूज हुई बेटा, जो हमारी जितनी भी कैंसर सेल्स होती हैं उसको क्या है, डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर हमारी जितनी भी ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है, कहाँ से ये आती है, तो बेटा जितनी भी हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर ये हमारी आती हैं। तो ये हमारी क्या थी, सारी की सारी जितनी भी वेव्स थी उसके बारे में हम लोगों ने जाना, इसको वेव्स और रेज हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जानने की कोशिश की थी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।